अपनी बात शुरू करने के पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कि बा का भी 150वां ही वर्ष चल रहा है और हम बा के बिना गांधी की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बा 6 महीने बड़ी थी तो उनका भी 150वां है। और जितना बा ने गांधी जी की डांट खाई होगी उतना मैं नहीं समझता कि किसी और शख्स ने गांधी जी की इतनी डांट खाई। यानी मैं उदाहरण एक देता हूं, नेपाल के एक तुलसी मेहर थे, वो 5-6 लोगों के साथ सेवाग्राम में रहते थे। ये मरने के पहले तुलसी मेहर ने खुद बताया मुझे। तो रामदास जी जो दूसरे पुत्र थे महात्मा गांधी के, वो जा रहे थे कहीं बाहर, तो जैसे कुछ मां या परिवार के लोग बना देते हैं खाने के लिए रास्ते के लिए, तो बा ने उनके लिए बनाया। और जब 1 हफ्ते 10 दिन बाद तुलसी मेहर जाने वाले थे, तो तुलसी मेहर जब चले गए तो महात्मा गांधी ने पूछा बा से कि तुमने ये तुलसी मेहर जा रहा था इसके लिए कुछ बनाया कि नहीं बनाया? तो उन्होंने कहा नहीं बनाया। तो कहा अच्छा, वो तुम्हारा बेटा था इसलिए तुमने बनाया, और आश्रम में जो रहता है वो तुम्हारा बेटा नहीं है। और उनको 1 हफ्ते का दंड दिया इसी बात पर। मैं उनको याद करके मैं गांधी जी की पर बात करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं सोनिया गांधी जी का कि जब यूपीए की चेयरपर्सन थी तो उन्होंने यूएनओ को लिखा और यूएनओ ने यह फैसला किया कि 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। समय कम है लेकिन मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगा कि गांधी की फिल्म का जिक्र हुआ उससे लोग गांधी को समझ रहे हैं। मैं सिर्फ एक घटना का उल्लेख करूंगा कि जब गांधी को ट्रेन से फेंका, तो कभी भी आप गांधी फिल्म देखिएगा तो गिरे हुए गांधी को नहीं देखिएगा, गांधी की आंख को देखिएगा। उस समय गांधी, जो मैंने समझा, गांधी की आंख में था कि तुमने हमको अपनी ट्रेन से फेंका है, एक दिन मैं अपने देश से तुमको फेंकने का काम करूंगा। मतलब ये संकल्प शक्ति होनी चाहिए। गांधी की सिर्फ 2 बातों पर थोड़ा अमल करना, 1, उस समय दुनिया में वाम पंथ का जोर था, मार्क्स का जोर था, जो ये कहता है कि साध्य कैसा भी हो, साधन कैसा भी हो, हमको साध्य पकड़ना चाहिए, यानी मंजिल पहुंच पकड़ना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा नहीं, अगर साधन सही नहीं है तो कभी भी साध्य सही नहीं हो सकता। मतलब अगर बंदूक की नली से कोई राज आएगा तो जो राज आएगा वो भी गरीब का राज नहीं होगा, वो बंदूक के नली का ही राज होगा। दूसरा, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही जो बहुत साधारण शब्दों में कही कि आदमी को अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए। खाली आप एक चीज अपने जीवन में उतारने का काम अगर करें तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात होगी। इससे आप देखेंगे देश का भी, समाज का भी और व्यक्ति का भी। लेकिन आज क्या है, हम और आप गांधी के वारिस हैं। आज लोग हुकूमत में वो लोग हैं जो गांधी के विचारों से विपरीत इस मुल्क को चलाना चाहते हैं।
और आज गांधी दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं, हिंदुस्तान में पहले से और ज्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि उस समय साम्राज्यवाद से लड़ना था, लेकिन आज समाज के अंदर जो लोग हैं आज उनसे आपको लड़ाई लड़ना है। और दुनिया में अजीब माहौल है, कहीं ट्रंप है, कहीं बोरिस है, कहीं मोदी है, वो लोग ताकतें आज मजबूत हो रही हैं दुनिया में जो एक सभ्य समाज को बनाती। क्या आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान में कि लोगों को पीट पीट के मारा जा रहा है? यानी इस देश के अंदर किसने ये अधिकार दिया कि न्याय आप करेंगे? न्याय के लिए न्यायालय है, लेकिन आज सरकार महिमा मंडित कर रही है उनको, इस देश को गांधी के विचारों के विपरीत चलाने की कोशिश। और क्या करें साहब, इस देश का गृह मंत्री यह भूल जाता है कि इस कुर्सी पर पटेल बैठे थे, पटेल बैठे थे, लगनशील है हमारा गृह मंत्री, लेकिन तथ्यहीन और विवेकहीन विश्लेषणों से देश में कर रहा। नेहरू को रोज बोल रहे हो, अरे मोदी सुन, आपका परिचय दुनिया में मोदी से नहीं है, अमेरिका में ट्रंप के सामने वहां की संसद का स्पीकर कहता है कि आप गांधी और नेहरू के देश से आए। उस दिन तुमको समझना चाहिए। 370 पर मैं एक मिनट लेना चाहता हूं, घबराओ मत, ये खोल जो है ना 370 का खोल पीट रहा है ये आदमी। 66 में, 66 के पहले कहा जाता था प्रधानमंत्री सदर रियासत, 370 का मतलब यही था, सादिक जब थे प्रधानमंत्री तो कांग्रेस के राज में वो खत्म हो गया और मुख्यमंत्री और गवर्नर हो गया। 52 में चुनाव हुआ है, 53 से सारे टैक्सेस कश्मीर में लगते हैं, और जहां तक जयपुर में भी जौहरी बाजार में कुछ लोग कह रहे होंगे कि हम भी जाएंगे कश्मीर में जमीन खरीदेंगे, 10 गज खरीदने की हैसियत नहीं है। क्यों? अरे शाह सुन लो, मोदी सुन लो, हम भी देखेंगे कि तुम्हारी हैसियत अगर है तो 35A हटाकर दिखा देना चाहिए। क्यों? कि ये कांग्रेस का बनाया हुआ राष्ट्र कानून नहीं है, ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये जो डोगरा लोग थे उन्होंने 1927 में लड़ाई लड़ी, 21 आदमी शहीद हुए, और तब हरि सिंह जी ने वो कानून बनाया था। दो कानून बना, एक 1927 में और 1932 में। क्या कानून? कि बाहर के लोग यहां नहीं आ सकते, जमीन नहीं ले सकते। क्यों? कि ये पंजाब के लोग जा रहे थे, और अंग्रेज उस समय चाहता था कि कश्मीर के अंदर उसको जगह मिल जाए, और हरि सिंह जी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहां आ जाए, इसलिए वो कानून बना था। और शाह नागालैंड में 1 गज जमीन लेके बता दो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, इन जगह आप बिना परमिट के नहीं जा सकते, लेकिन कश्मीर में तो जाते हैं ना। जितने सरकारी ऑफिस हैं किसकी जमीन पर बने हैं? कश्मीर की जमीन पर बने। चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। शिक्षा कौन देखता है वहां? यूजीसी देखता है। तो फिर कौन सा 370 है भाई? और मैं बताता हूं कि मैं वहां का इंचार्ज था, पहले उन्होंने पंचायत का चुनाव करा लिया था जिसमें कोई अधिकार नहीं थे। राहुल जी ने कहा कि इन पंचायत के लोगों को
अधिकार मिलना चाहिए। मैंने अपने पार्टी के लोगों से कहा, मंत्रियों से, कुछ भी हो जाए 73-74 अमेंडमेंट हम यहां पर लाएंगे। सरकार गिरने की नौबत आई, सब हमने एक समझौता किया और वो 73-74 अमेंडमेंट की जगह कश्मीर पंचायत एक्ट लगा। जिस पंचायत जितने प्रावधान 73-74 के हैं जो राजस्थान में लागू हैं, वो सारे प्रावधान कश्मीर में लागू हैं। अरे भाई साह, क्या है 370? ये सब 370 रहते रहते हमने लागू किए। लेकिन इस देश के अंदर जो इशू है, वो इशू ये है कि इस देश में असहमति रहेगी कि नहीं रहेगी। गांधी सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, इस दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन का कोई औजार था अगर, तो वो कांग्रेस पार्टी गांधी के नेतृत्व में थी। मित्रों, आपको भी सोचो, क्योंकि आप जरा सोचो क्या समाज था इस राजस्थान के अंदर ही, कितने राज थे जिसको आज हम राजस्थान कहते हैं, और हर राज में अलग अलग कानून था। ऐसे कानून को इकट्ठा करके और फिर लड़ना मामूली बात नहीं थी। सती प्रथा थी, छुआछूत था, कौन सा ऐसी कुरीतियां नहीं थी। तो गांधी इस देश में नहीं, दुनिया में उनसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन का कोई नेता नहीं हुआ है जिसने सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन किया हो। कांग्रेस जनों, ये आपके लिए गौरव का विषय होना चाहिए, अभिमान का विषय होना चाहिए। वो चुरा रहे हैं गांधी जी की जो ऐनक था ना, गोल वाला, वो भी उन्होंने खरीदा था लंदन से। और जब उन्होंने विदेशी चीजों का त्याग किया तो उसको अभी त्याग कर दिया, किसी को दिया था, मैं नाम भूल रहा हूं, कोई मुस्लिम थे नवाब साहब, उनको दिया था। लेकिन यह दिल्ली वाला जो बैठा है, उसको चस्पा लगा रहा है स्वच्छता से। मोदी सुन, ये ऐनक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि किन नजरों पर यह लगा हुआ है। तुम पटेल को लेकर रोकते हो। एक बात और बता दूं, मैं आज आपको कई चीजें बताना चाहता था। 2 मिनट खाली। ये लोग चलाते हैं कि नेहरू में और पटेल में गड़बड़ था। 370 भी जब लगा था, और ये जो बोलता है, भाषण करता है, वो ओहो प्रोविजनल हटाने में 70 साल लग गया। वो इसलिए प्रोविजन लिखा गया था कि नेहरू जी नहीं चाहते थे, लेकिन हरि सिंह जी ने कहा था कि भाई अब ये सेंटिमेंटल इशू है, इसको क्या करें, आगे खत्म कर लीजिएगा, इसलिए प्रोविजन था। और ये ना समझ भाषण करता है कि हमने वो प्रोविजन हटाने में हमने 70 साल इन्होंने लगा दिया। तो कहते हैं पटेल, अरे तुम गुजराती हो गए लेकिन तुम पटेल के वारिस नहीं हो सकते। और मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और अध्यक्ष जी से भी और आपसे भी कि चुन्नी भाई बैद्य की एक किताब है, इतनी पतली, गांधी की हत्या का सच, 10 रुपए की भी शायद नहीं होगी, उसको पढ़ लो और अपने आप एक एक घटना आपके सामने आ जाएगी। तो आज मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को कहना चाहता हूं कि भाई गांधी जी नेहरू को जी को बड़ा प्यार करते थे, अपना बेटा समान मानते थे। और एक वाकया सुन लीजिए,
क्योंकि जो गांधी जी थे वो मोतीलाल जी के मित्र थे, नेहरू के मित्र नहीं थे, जवाहरलाल जी के मित्र नहीं थे। तो जवाहरलाल जी को जेल हो गया, गांधी जी आनंद भवन में ठहरे हुए थे। 4-5 बजे सुबह का वाकया था। मोतीलाल जी के लिए जीवन में भी पहला दूसरा अनुभव था कि बेटा जेल चला गया। तो वो जान टहल रहे थे, सवेरे का वक्त 4 बजा होगा या 5 बजा। तो उन्होंने जिस कमरे में सोए थे गांधी जी, उस खिड़की से देखा कि गांधी जी तखत पर नहीं है। तो एक आध बार सोचे कि बाथरूम वगैरह गए होंगे, फिर टहल के आए, देखे कि गांधी जी नहीं है। तो उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा ऐसे किया, देखा गांधी जी जमीन में सो रहे। तो उन्होंने हिलाया कि आप क्यों ऐसे जमीन में क्यों सो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जवाहरलाल जेल में सो रहा होगा, उसको तकलीफ हो रही होगी, इसलिए मैं यहां से। खुद पटेल ने कहा, पटेल जी की उम्र जानते हैं, पटेल साहब कौन, हमारे वाले पटेल दिल्ली वाले नहीं, सरदार पटेल। 6 साल छोटे थे, किससे, गांधी जी से। और जवाहरलाल जी कितने छोटे थे, 20 साल। तो खुद पटेल ने कहा है, उस समय भी ये कानाफूसी शुरू हुई, तो पटेल ने खुद कहा, अरे बताओ कि अगर कोई आदमी अपना वारिस बनाता है तो बेटे को बनाता है कि भाई को बनाता है। मैं उनका भाई हूं और वो उनका बेटा। आगे की जो खुद गांधी ने कहा है कि पटेल ने कभी भी मुझसे असहमति नहीं जाहिर की, जवाहरलाल ने एक नहीं अनेकों बार असहमति जाहिर की है, लेकिन मैं जानता हूं कि देश को आगे ले जाने के लिए जवाहर जैसे नौजवानों की आवश्यकता है देश को। और अंत में मजाक में लिखा है उन्होंने कि अगर जब मैं नहीं रहूंगा तो जिन बिंदुओं पर असहमति है वो भी नहीं रहेगी। अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक बात और, नेहरू जी हमारे, अविनाश जी भी महाराष्ट्र से हैं। आज नेहरू जी के त्याग की बात हो रही है, कौन कर रहा है, ये जेल में रह के जो आया है। और जेल में तो हम भी रहे हैं, लेकिन पाकेटमारी में या मर्डर या बलात्कार में नहीं रहे हैं, अपहरण में नहीं रहे हैं। और वो नेहरू जी पर बात कर रहा है। आप और हम, ये देखिए राजीव जी की तस्वीर है, इनका जन्म कहां हुआ था, जयपुर में, कहां हुआ था, नहीं ये नहीं, राजीव जी का बंबई में हुआ था। ये क्यों इनका जन्म हुआ था बंबई में, इनका परिवार तो इलाहाबाद में रहता था, इतनी बड़ी कोठी थी, जानते हैं। इंदिरा जी जब पेट से थी उस समय मां जेल में, इंदिरा जी की बुआ जेल में, इंदिरा जी के दादा जेल में और इंदिरा जी के पिता जेल में, कोई नहीं था कि वहां पर इंदिरा जी की देखभाल कोई कर सकता हो। तो इनकी दूसरी बुआ कृष्णा हटी सिंह बंबई रहती थी, इसलिए उनको बंबई भेज दिया गया और वहां इसीलिए राजीव जी का जन्म। यानी जिस परिवार का एक एक सदस्य जेल में हो, वो आज बात उठा रहा है नेहरू जी की। और नेहरू जी और राजीव जी की पहली मुलाकात 19 दिन के बाद
नेहरू जी को जेल में दिखाने के लिए ले गई थी। ये सब नकली लोग आपातकाल का नाम लेते हैं। क्या है कश्मीर में आज? गांधी इसलिए जरूरी है कि आज 50 दिन हो गया है लोग घरों में बंद हैं। क्या ये गांधी के मुल्क की नीति है? क्या उनको अधिकार नहीं है? हमने प्यार से जीता था, इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हे गांधी के वारिसों, आज आपकी विरासत पर उंगली उठ रही है। आज आपका ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उठ खड़े हो और ये जो चुनौती मिल रही है उन लोगों के द्वारा जो गांधी की हत्या के बाद मिठाई बांटते हो और उसको महिमा मंडित करते हो, उनके खिलाफ ये लड़ाई हमको और आपको लड़नी है। यही 150वें वर्ष का संकल्प और हमारा आपका होना चाहिए। हमने ज्यादा समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।